जी मलिक साहब, मास्क पहन ले मलिक साहब। आदत नहीं रही ना ऐसी चीज रखने की, थोड़ी तकलीफ होती है। एनीवे, थैंक यू मिस्टर चेयरमैन फॉर गिविंग मी टाइम। मैं सबसे पहले तो सर आपका शुक्रिया अदा करूंगा, पूरे हाउस का शुक्रिया अदा करूंगा, अपनी इंटीरियर की कमेटी के मेंबरान का शुक्रिया अदा करूंगा और पूरी सेनेट की स्टाफ की जिन्होंने इन कोरोना के दिनों भी मीटिंगें जारी रखी। और दैट वाज योर डायरेक्शन और वो सारा डे टू डे वो ब्रीफिंग में भेजता रहा। काश मोहसिन अजीज साहब यहां होते तो उनको मैं बता सकता कि इस कमेटी ने कितना काम किया। हैविंग सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करूंगा कि इस वक्त लड़ाई का वक्त नहीं है। कोरोना को एक प्लेटफॉर्म नहीं बनाना चाहिए किसी किस्म की सियासी लड़ाई का। कल मैं अपने दोस्त कुरैशी साहब को जब सुन रहा था परसों, तो मुझे ऐसे लगा कि कोरोना हैज बीन सेट ए प्लेटफॉर्म फॉर इलेक्शन। फॉर गॉड सेक लेट्स स्टॉप इट, लेट्स टॉक अबाउट दिस डेडली डिजीज। सर इसका टोटल वजन दुनिया में इस वक्त अकॉर्डिंग टू दिस बुक विच आई रिटन एंड इज वेरीफाइड 1 ग्राम है सिर्फ पूरी दुनिया में, उसका 1 ट्रिलियन जो 72,000 मॉलिक्यूल एक्ट करते हैं बॉडी में और दैट्स व्हाट इट ट्रबल्स यू एंड इट डिस्ट्रॉयज यू 3 ट्रिलियन। आज पता चला आप डॉक्टर भी हैं सर। माशाल्लाह सर, जो एफआईए वाले लोग होते हैं वो डॉक्टर भी होते हैं, क्योंकि जब तक सीखे नहीं इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। एंड यू नो इट वेरी वेल सर। जी ठीक है जी, यू नो इट वेरी वेल सर। नाउ 3 ट्रिलियन गुड वायरस इन योर बॉडी इज डिस्ट्रॉयड बाय दिस वायरस एंड इट्स नॉट नेसेसरी दैट इट्स गोइंग टू डिप्रेस योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। इट कैन गो एंड इन टू योर बॉडी एंड क्लॉट इट, योर इट कैन क्लॉट योर ब्लड। द डॉक्टर अशरफ साहब इज हेयर, मेनी अदर डॉक्टर्स हेयर, दे विल नोस मी आउट। एंड इट कैन मेक अ सडन हार्ट अटैक। आपने अहमदाबाद के डॉक्टर को देखा कि शाम को उनको पता लगता है, सुबह ही डाइज। वाई ही डाइज? बिकॉज ऑफ द सडन अटैक। तो मैं ये समझता हूं कि इस बीमारी का जो इस वक्त तक पूरी दुनिया कह रही है कि डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस, आई एम सॉरी टू से मैं ये समझने से कासर हूं फेडरल लेवल पे भी और प्रोविंशियल लेवल पे भी कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेड लॉकडाउन। बाबर साहब बैठे हुए हैं, बाबर आन साहब, ही नोज व्हाट इज लॉकडाउन इन लॉ। व्हेन यू से लॉकडाउन दैट मींस इट इज लॉकडाउन। इफ समबडी इज दैट साइड ही कैन कम दिस साइड एंड दिस साइड कैन नॉट गो ऑन दैट साइड। अनफॉर्चुनेटली जो इस वक्त हालात और वाकयात मुल्क में चल रहे हैं, गुर्बत भी है और जैसे शहरी ने कल कहा था परसों कि जान अजीज है, आप हफाजत कर रहे हैं उनकी, करनी चाहिए, बहुत अच्छा काम है। अगर उसकी जिंदगी होगी तो उसको पैसे देंगे ना। सबसे पहला काम जो होना चाहिए, जिसका मैं एक रेजोल्यूशन की सूरत में पेश कर चुका हूं यहां, गरीब गरीब का टेस्ट नहीं हो रहा है, एक जुल्म है। मैं हुकूमत से अपील करूंगा कि वो फौरन इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, क्योंकि सिर्फ जो ये टेस्ट है, टेस्ट जो किट है, इट इज ओनली $7.5। इट कैन बी ब्रॉट हियर सर, इट कॉस्ट लेस देन 2,000। आई रिक्वेस्ट द मिनिस्टर सिटिंग हियर, प्लीज गेट दिस इन्वेस्टिगेटेड। इफ यू वॉन्ट मिलियंस ऑफ किट्स, आई विल गेट यू। I will not get any commission. I will not allow anybody to have commission. Make a committee and it will be here, sir. 2,000 से less अगर लाते हैं तो सर, अगर आप 2 करोड़ को टेस्ट करते हैं तो आपके टोटल 1.5 मिलियन खर्च होते हैं डॉलर्स। अब मुझे बताएं सर कि आपने गरीब का बचा लेंगे, उस गरीब को जो 8,500 खर्च नहीं कर सकता। एक वीडियो मैंने आपको भी भेजी थी, शेयर कर सकता हूं कि एक बहुत बड़े हाल में लोग हैं और वो कहते हैं जाते हैं चुकताई सेंटर से जाकर सर्टिफिकेट लो, आपको जाने देंगे। सर दिस इज डिस्क्रिमिनेशन। सबसे पहले हक जो है टेस्ट का, वो गरीब का बनता है, क्योंकि उसको आप बचाएंगे अल्लाह भी खुश होगा। और मैं ये समझता हूं कि ये कम्बिनेशन किट्ठी चलनी चाहिए और वक्त यह है कि हमें
उनको मायूस किसी सूरत में नहीं करना चाहिए। एक मेरा रेजोल्यूशन है कि गरीब को हर सूरत फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट होना चाहिए, और हमें आज आपकी रूलिंग चाहिए मिस्टर चेयरमैन, अदरवाइज वी विल लुक बिजी डूइंग नथिंग। अगर आप कोई क्वालिटेटिव चीज आज नहीं लाते तो लोग कहेंगे ये बातें करके चले गए। मैंने भी तकरीर बड़ी कर ली, शहरी रवान ने भी कर ली, अभी थोड़ी देर बाबर रवान साहब भी फर्स्ट क्लास करेंगे, अभी थोड़ी देर बाद मेरे दोस्त साहब अपने मुशाहिद साहब भी करेंगे, बट वट इज द आउटकम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड माई सेकेंड क्वेश्चन एंड द फॉर्म ऑफ रेजोल्यूशन, नो फर्दर लोन्स फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रेडिटर्स। व्हाई? बिकॉज नाउ द टाइम हैज कम। आई एम वन ऑफ दैट लॉ मेकर हु हैड ऑल्सो सेंट द लेटर टू वर्ल्ड वाइड, और मैं आज ये डान में भी है सर, जिसमें 300 लॉ मेकर्स ऑफ द वर्ल्ड हैव आस्क्ड आईएमएफ कि आप गरीब मुल्कों की जो डेट्स हैं उनको राइट ऑफ करें। इन्होंने अभी सर 25 के किए हैं, लेकिन 6 महीने के लिए। लेकिन मेरी हुकूमत से अपील होगी, खासतौर पे बाबर वान साहब को, इसको कंसिडर करें। दिस इज द राइट स्टैब्लिश फॉर पाकिस्तान बिकॉज ऑफ दिस डिजास्टर pandemic in the definition of the world law, it's a pandemic, is a disaster. Second, aapka force majeure law hai. Force majeure law ke mutabik agar koi national disaster hai, world disaster hai, internationally we declare ho chuka hai, to then you establish the right to go to first IMF. bhai maafi de, mat nahi de sakte aap, kyunki aapne jo IMF ke sath agreement kiya wo is base pe kiya कि आपका टैक्स आएगा, रेवेन्यू जनरेट होगा। आपका रेवेन्यू जनरेट तो ड्राई हो गया, पहली क्लास आपकी पूरी भी हो गई। तो अगर नहीं मानती तो देन यू हैव इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, गो देयर एंड आस्क फॉर रिटर्न ऑफ लोन्स। क्या करेंगे आप 20 साल की नहीं तो रिलीफ मांग ले। ये हुकूमत के लिए भी ठीक है, ये अपोजिशन के लिए भी ठीक है, ये पूरे मुल्क के लिए ठीक है। इसलिए कि अगर आज हुकूमत ये 3 रेजोल्यूशन ले लेती है तो 2 रेजोल्यूशन कम से कम लोन्स वाले जो हैं दे कैन यूटिलाइज एट द इंटरनेशनल फोरम्स। इसलिए कि वो कह सकते हैं कि हमारी पार्लियामेंट ने कहा भी हम आपको नहीं दे सकते। चलो 2 मिनट मान ले कि वो नहीं मानते कि हम आपका राइट ऑफ नहीं करते, कम से कम 20 साल की आपको छूट तो मिल जाएगी। और इफ यू रिकॉल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अगर यहां होते तो बड़ी खुशी होती, हम सारे वेलकम करते उनको और समझते कि वो आज फैमिली के सरबराह हैं। और मुझे साहब आप हमारे साथ रहे हैं, बाबर साहब भी हमारे साथ थे, इस वक्त भी आप अपने प्राइम मिनिस्टर को ले आया करते थे। क्या ही अच्छा होता कि कल जो पॉइंट होता आज प्राइम मिनिस्टर बैठे होते, काम देख रही होती कि अरे सारे लॉ एनफोर्समेंट बैठे मेकर बैठे हुए हैं, उसका इंप्रेशन बहुत अच्छा जाता। लेकिन ये मैसेज उन तक पहुंचा दे कि नाउ इज द टाइम दैट ही शुड इनवोक दैट सेक्शन ऑफ लॉ इन द लॉ विच एक्चुअली एम्पावर्स यू टू डू, which is force majeure law. And I have written a letter to him also. Then I have written a letter to all concerned departments. If you recall, Ministry of Finance ने कहा जी पता नहीं ये grey list से हमारा 6 महीने के लिए नाम कैसे चला गया, then send the letter. मैंने लिखा, मैंने ये pandemic आ चुकी है और जो आपने कंडीशन आप पे लगाई है वो बहुत गलत है। पहले आप इंडिया का तो कुछ नहीं कहते, हमारे पे सारा गुस्सा डालते हो। तो उस लेटर का जवाब दिया है मैंने, वो पब्लिक भी किया, तो उन्होंने 5 महीने की छूट दी। वाई शुड वी नॉट मूव फॉरवर्ड मोर, इट्स अ पैनडेमिक, दे शुड टेक अस आउट ऑफ द ग्रे लिस्ट बिकॉज आई नो द एससीज आर नॉट ओपन, वी आर स्टिल अंडर हैवी टॉर्चर ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल कंपनीज बैंक्स बिकॉज दे वॉन्ट ओपन अनलेस यू गेट आउट ऑफ दिस। तो मेरा ख्याल है सर मेरे ये 3 पॉइंट जो है इनको सामने रखते हुए आप आगे जरूर लेके चलिए, क्योंकि हमारी इकोनॉमी आने वाले वक्त में, अभी तो मेरा अभी खराब हो गई है, अगर आप कुछ जर्नलिस्ट हैं दिल बेर मी आउट सर दैट इकॉनमी इज गॉन डाउन, एंड इमेजिन डाउन द लाइन 6 मंथ्स व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वी आर गोइंग टू सफर मोर। नो आई थिंक पाकिस्तान इज वन ऑफ द लकीस्ट कंट्री जो अपने आप को मेंटेन कर सकता है बिकॉज वी आर एग्रेरियन बेस्ड सोसाइटी, एग्रेरियन बेस्ड कंट्री। आज अगर क्या ही अच्छा होता कि प्राइम मिनिस्टर किसानों के लिए पैकेज करते इस शर्त के साथ
the depth equation of that test check will ensure that there is not a single piece which is left out of that cultivation, sir. आपके पास इतना अनाज होगा, आपके पास इतनी सब्जियां होगी, फ्रूट होगा कि आप दुनिया को एक्सपोर्ट कर सकेंगे, कम से कम आप भूखे नहीं मरेंगे. आगे से मैं दोबारा आ रहा हूं, लॉकडाउन. आई एम नॉट हेयर टू क्रिएट सम काइंड ऑफ ब्लेम गेम, लेकिन सर लॉकडाउन की अगर उसको आप कन्वर्ट कर लें स्मार्ट लॉक में, स्मार्ट लॉकडाउन में भी, उसका भी मतलब ये होता है कि एक आप क्वेश्चन सिलेक्ट कर लें एंड मेक श्योर नोबडी गोज देयर एंड नोबडी कम्स आउट. फॉर एग्जाम्पल IG63 और I-10 डिक्लेयर डेंजरस टुडे इन सांबा इन द मॉर्निंग अकॉर्डिंग टू द अनाउंसमेंट ऑफ द डेप्टी कमिश्नर सांबा. तो ये एक जगह नहीं, सब जगह है. अब देखना क्या है कि आपकी जो टीम है वो कैसे एक जोन क्रिएट करती है और आने वाले वक्त से बचती है. मैं बिल्कुल डिफर करता हूं इस एनालॉजी को कि हमारे सिर्फ 30,000 या 35,000 सिर्फ मरीज हैं. नो, अकॉर्डिंग टू WHO अगर आपका एक मरीज है तो उसको 28 से मल्टीप्लाई कर दे. सर रफ कैलकुलेशन विच आई हैव डिस्कस्ड विद द डॉक्टर्स, एज ऑफ टुडे यू हैव ओवर 800 पेशेंट्स ऑफ कोरोना इन द कंट्री. और शायद अगर ये जो हमने रिपोर्ट बनाई थी अगर ये प्लेस कर दीजिए होती हाउस में तो बहुत अच्छा होता. इसमें हमने इवन एंटी कोरोना नेशनल एक्शन प्लान दिया और इसको पढ़ लीजिए, कम से कम इसका 60% हुकूमत इस वक्त इंप्लीमेंट कर रही है. आई एम ग्लैड. और इसकी इंप्लीमेंटेशन की रिपोर्ट रेगुलरली मुझे मिल रही है और जो लास्ट रिपोर्ट है वो परसों आई जो मैंने आपको भेज दी है. विल कंटिन्यू टू वर्क इवन फ्रॉम होम बिकॉज परसुइंग एंड मॉनिटरिंग फ्रॉम द पार्लियामेंट इज सेनेटर तरीन साहब, अहमद खान, रुबीना खालिद साहब, प्लीज सुने मलिक साहब की इतनी अहम बातें हैं. डॉक्टर भी हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं, माशाल्लाह जी. सब वक्त ने सब कुछ बता दिया सर, हर चीज सीख ली, बल्कि जेल के भी चक्कर काट है, आगे भी डॉक्टरेट कर रहा है. वक्त बहुत कुछ खाता है सर और मेरा ख्याल है कि आई स्टिल चेरिश माई टाइम इन द FIA क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन मिलती है आपको तो आप देखते हैं यार मैं तो ABC भी नहीं जानता हूं क्या करूंगा, फिर वो सीखनी पड़ती है. कोरोना का भी इस तरह ही सीखा और आज अल्लाह का शुक्र है कि मेरी एक किताब का दूसरा एडिशन महीने आया गया इंशाल्लाह. अब आगे देयर हैज बीन लैप्सेस एट इंटरनेशनल लेवल दैट वी आर फेसिंग टूडे. ये एक वायरस आई थी 1994-95 इन ऑस्ट्रेलिया, उसका नाम था हेंड्रा. हेंड्रा जो थी दैट केम फ्रॉम हॉर्सेस. 14 लोग मरे सर, उन्होंने आइसोलेट करके इसको थोड़ा दबाया, लेकिन आज भी हेंड्रा वायरस से मरीज मर रहे हैं. और अभी जो डॉक्टरों की आई है इन्वेस्टिगेशन उसके मुताबिक ये कोरोना वायरस की मदर जो वायरस है वो हेंड्रा वायरस है. I wish that WH had taken action and started developing at that of time. Today शायद इसकी वैक्सीन होती. सर यहां पे बात की मुशाहिद अल्लाह साहब ने और दोस्तों ने भी बात की और उन्होंने कहा कि इस वक्त ब्लेम गेम चल रही है बिटवीन चाइना एंड अमेरिका. आई डिड गो इन डिटेल एंड देयर टू चैप्टर्स इन इट अबाउट दिस ब्लेम गेम एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन सर The first patient appeared in Honolulu, in America, in September. और यह भी रिकॉर्ड का हिस्सा है दुनिया का. एक टूरिस्ट लोग गए वहां Honolulu सर और जब वो वापस गए तो ताइवान में उनका टेस्ट हुआ. That was positive, sir. So you cannot blame China for this. But at the same time, I would not like to blame any country in the world. That's why I wrote a letter to the Secretary General of UN demanding number one, the origin of the virus should be determined, it should be detected, where was first patient, yani zero patient was found, and then also few other things, total 5 TOs I had given, which is part of this book. Finally, Bill Gates is a known personality in the world. उन्होंने 2015 में कहा कि देर विल बी बायो वायरस एंड दिस काइंड ऑफ टेररिज्म में हैपन
it will kill minimum 10 million. Then in 2018, he stated in Munich in one of the conferences that there will be genetic change and some modification in virus, and there will be 30 million deaths in the world. So I decided to write a letter to him also. Though it was very polite, I just simply asked him that these are your two statements and you are a credible person. I would like to request you to tell the world, not to me, as to what were the basis that you said that these virus are both. और उनकी एक फाउंडेशन है जिसपे काम करती है. इन द मीन टाइम आपने सुना होगा नैनो चिप विच वॉज टू बी इंजेक्टेड इन बॉडीज एंड एवरी ह्यूमन बीइंग वॉज सपोज टू गेट ए स्पेशल आईडी अंडर दैट. उस मॉलिक्यूल से या छोटे जो उसके सेल थे वो जाके जिस्म के किसी एक हिस्से पे इकट्ठे हो जाने थे और दैट वुड बी डिटरमाइन एंड वर्क आउट ए चिप. So I have requested Bill Gates, either the world was irresponsible जी. or your information was incorrect. So if it has not been done, that means the world did not take you seriously. So I again reminded the Secretary General of the UN that please take the help of Mr. Bill Gates, because he has done a lot of work on it, and we expect that maybe we get some kind of help from him. Now sir, duniya mein har cheez law se regulate hoti hai. Hamari halat ye hai is waqt health ki. I fully agree with my friends here that total 194 country mein se hamara number jo hai 154 hai. How do you expect ki hum इस नंबर पे रहते हुए आप कोरोना वायरस की के अगेंस्ट लड़ सकते हैं? सर ये 25 फरवरी की बात है, मुझे चीफ मिनिस्टर साहब बलूचिस्तान ने बुलाया. जी मलिक साहब बस वाइंड अप भी करें क्योंकि ऑलरेडी 18 मिनट हो गए हैं. सर मेरी कमेटी ने इतना काम किया, मेरे मेंबर कहेंगे कि हमारे चेयरमैन ने हमारे काम को नहीं कोई नहीं कहेंगे, उनका मैं जिम्मेदार हूं. जी बस वाइंड अप करें. ओके सर, थैंक यू. मैं लेकिन एक थोड़ी चीजें क्लियर करना चाहता हूँ. टेक यू टू 3 मिनट. मैं चीफ मिनिस्टर से मिला तो चीफ मिनिस्टर को मैंने कहा कि अभी क्या पूछ रही यहाँ पे. उन्होंने मुझे एस सच ये तो नहीं कहा ये कोरोना वायरस पहुंच गया, बट आई डू हैव लिटिल कॉमन सेंस. आई मेड आउट कि ये पहुंच गई है. 25 को आया वापस में, 26 को आके मैंने आपको बताया मैंने सुओ मोटो लिया सर, और हाजी साहब भी बैठे हुए हमारे पास, इनका इलाका है इस वक्त सुफसान है, तो इन्होंने भी जाके वहां देखा. मैंने कहा देखो ये मुझे कह रहे हैं कि हमने वहां पे आइसोलेशन सेंटर बनाए हैं. तो वेरी काइंडली ही टोल्ड अस द होल कमेटी कि वहां पे तंबू लगे हुए हैं और उनमें तकिए और उसमें शीशा पड़ा हुआ है. आई एम सॉरी टू से, इन फैक्ट आई थिंक कि जब ये वबा आई या ये एक स्काई लैप आया, ना हुकूमत तैयार थी, ना डॉक्टर तैयार थे, ना दूसरी सर्विसेज वाले तैयार थे. लिहाजा मैंने कहा कि आप जो इसकी हैंडलिंग है एंट्री पॉइंट पे वो आर्मी मेडिकल कोर को दे दें ताकि आप उसको हैंडल कर सके. हमारे पास इतनी एबिलिटी नहीं है. और मेरा ख्याल अगर वो हो जाता वक्त पे बहुत अच्छा था. बहरहाल मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इस दवा के साथ. थैंक यू मलिक साहब, आपने बड़ा अच्छा काम किया. अपना रिपोर्ट बाकी मेंबरान को भी भिजवा दें. बिल्कुल, इस दवा के साथ कि अल्लाह मियां हमें अपनी रहमत से आमीन आमीन और इस दुनिया से ये वायरस खत्म हो. और क्योंकि आज हमारे सेक्रेटरी सेनेट का भी लास्ट डे है, आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट हिज वर्क फॉर अस. ही विल बी आई थिंक नो मोर, नेक्स्ट टाइम ही विल बी गोइंग टू अ बेटर प्लेस. व्हाट यू डिड गुड वर्क सर, वी अप्रिशिएट योर वर्क ऑन रिकॉर्ड. और सर इस जो मैंने रिपोर्ट दी है, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू सर कि ये सबको भिजवा दें. और मेरी रिकमेंडेशन है, और ये कहना कि कोई एक्शन प्लान नहीं हुआ, नो, आर कमेटी गेव 37 एंटी कोरोना नेशनल एक्शन प्लान. दूसरा जो बिलावल भट्टो साहब ने एक तजवीज दी है, आए बैठे मिलकर काम करें, उसको आप गुड फेथ में लें, आप उसको लड़ाई झगड़े में न लें. आप यकीन करें 6 महीने के बाद आप बैक कर रहे होंगे कि ये करें, तो क्यों ना आज इज्जत के साथ. थैंक यू सर, ये साबित करें दुनिया को कि वी आर अ नेशन एंड वी वांट टू वर्क टुगेदर.
अगर को मैंने सख्त बात की हो किसी के लिए तो आई एम सॉरी बट वट एवर इज ऑन रिकॉर्ड दीज आर द फैक्ट्स। थैंक यू वेरी मच सेनेटर फैसल जावेद प्लीज।